देवभूमि फिर हुई शर्मसार। बीबीएन में 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म, महिला थाना बद्दी में मामला दर्ज। पुलिस ने पीड़ित बच्ची के पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर किया गिरफ्तार। पीड़ित बच्ची के पिता ने पुलिस में बयान देते हुए बताया कि वह झड़माझी क्षेत्र में पिछले 1.5 साल से अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। रोजाना की तरह अपनी पत्नी के साथ काम पर गए हुए थे और झुग्गी पर बड़ी व छोटी बेटी और 5 साल का बेटा अकेले रह रहे थे। जब शाम के समय वापस आ रहे थे तो पहले झुग्गी में पहुंचे तो फोन आया कि छोटी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। SP बद्दी मोहित चावला ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24 हिमाचल। 6 साल की बच्ची के साथ जो वारदात हुई उसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। देखिए, जैसे ही पुलिस को इतला आई, इसमें महिला पुलिस स्टेशन की SHO द्वारा स्वयं कार्रवाई करते हुए बच्ची को मेडिकल हेल्प के लिए लेके गई और उनको अभी मेडिकल जो फैसिलिटी है उपलब्ध करवाई जा रही है। और जो मेन एक्यूज्ड हैं उनको हमने डिटेन कर लिया है। ये नेबरर्स बताए जा रहे हैं और झाड़माजरी के पीछे कोई स्लम एरिया है, माइग्रेंट है। जो भी इसमें पुलिस की कार्रवाई एज पर लॉ होगी तुरंत होगी। और मेरी तरफ से इनको यही आदेश दिए गए हैं, क्योंकि छोटी बच्ची है, पहले इसको मेडिकल हेल्प दी जाए। पेरेंट्स हमारे साथ ही हैं और जो भी इसमें गुनहगार उसको बख्शा नहीं जाए। सर, जो एक्यूज्ड है क्या कोई बाहरी है या वहीं का? ये झाड़माजरी के बैक साइड कोई स्लम एरिया है। ठीक, दोनों झुग्गियाँ साथ साथ थी एंड जो पेरेंट्स एंड फैमिलीज आपस में जानती हैं और ये उसकी पिछली झुग्गी में रहते थे। और क्या कारण रहा, क्या तरीका रहा या क्या, वो सारी इन्वेस्टिगेशन की बातें हैं। अभी फिलहाल ये कि बच्ची को मेडिकल हेल्प चाहिए, हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। SHO साहब इसको खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।